पेरिस ओलंपिक की शुरुआत इस महीने के आखिर में 26 जुलाई से होगी। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक जारी रहेगा। भारतीय खिलाड़ियों से इस बार भी ओलंपिक गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। टोक्यो में खेले गए पिछले ओलंपिक गेम्स में भारत ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 मेडल जीते थे। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार ओलंपिक में एक नया इतिहास रचा जाएगा। दरअसल बिहार के जमुई से एक विधायक पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेकर इतिहास रचने जा रही है। विधायक का नाम श्रियासी सिंह है, जो बिहार की जमुई से विधायक है। वो इस बार पेरिस ओलंपिक में अपने जोहर दिखाएंगी। श्रियासी सिंह की उम्र 33 साल है। श्रियासी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की पहली विधायक होगी। श्रियासी सिंह ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। श्रियासी सिंह ने विधायक बनने के बाद मंत्री बनने की रेस नहीं लगाई, बल्कि निशानेबाजी में परचम लहराया। श्रियासी सिंह के ऊपर अब भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने की जिम्मेदारी भी होगी। श्रियासी सिंह का पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में शॉटगन ट्रैप वुमन प्रतियोगिता में चयन हुआ है। श्रियासी सिंह बिहार की पहली एथलीट बन गई है जिसका चयन ओलंपिक के लिए हुआ है। श्रियासी सिंह ने ग्लासगो में हुए 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी की डबल ट्रैप कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल जीता था। उसी साल उन्होंने 2014 एशिया खेलों में इंचियोन में डबल ट्रैप टीम कॉम्पिटिशन में शगुन चौधरी और वर्षा वर्मन के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वही साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी की वुमन डबल ट्रैप कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल पर श्रियासी सिंह ने कब्जा जमाया था। इसी साल श्रियासी सिंह को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बता दें, श्रियासी सिंह 2020 में भाजपा में शामिल हुई, पार्टी ने उन्हें जमुई सीट से उतारा और उन्होंने जीत भी हासिल की। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।